फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, पथराव। ये इलाका है सोराबगोट का। सोराबगोट पर जो है वह हैदराबाद में बिलावल काका की हलाकत पर एहतजाज किया जा रहा था। इस पूरे इलाके में जो है वो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। कराची सुपर हाईवे अलासिफ स्क्वायर के सामने वाले ट्रैक पर ये पथराव शुरू हुआ। ये पथराव किया जा रहा है एक दूसरे पर। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस ने सूरत हाल पर काबू करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की तादाद बड़ी है जो एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई अफराद जो है पथराव से जख्मी हुए हैं। यहाँ पर पुलिस मोबाइल के भी शीशे टूटे हैं। फौरी तौर पर जो है वो हिंदू को तलब किए गए हैं ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। कराची से हैदराबाद जाने वाला ट्रैफिक जो है ये मुअत्तल हो गया है और यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। मुस्लिम लगा रहे हैं, दो मोटरसाइकिलों को जो है वो आग लगाई है और यहाँ पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। मजीद जो है वो सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है कि हालात जो है वो हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त फौरी तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ कि अलासिफ स्क्वायर पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। कराची से हैदराबाद जाने वाला ट्रैक या अलासिफ स्क्वायर पूरा इलाका मैदान जंग बना हुआ है। रेंजर्स को अभी हिदायत मिली है कि वो सूरत हाल पर काबू पाए पाए, इसलिए जो है पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया है और बदअमनी करने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये लसानी फसाद कराने की एक साजिश है।